हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दीनदयाल के उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एफिलेटेड कॉलेज हो, या प्राइवेट कॉलेज हो, ऑटोनोमस कॉलेज हो, या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत BBA के फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस सभी कॉलेज के ऊपर एप्लीकेबल है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अगले सेमेस्टर में जाते हैं, उन्हें अपना सिलेबस नहीं पता होता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है कि आपको आपके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आपके BBA के फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके BBA के फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें आपको एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिसर्च मेथडोलॉजी, बैंकिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स और इसका वाइवा है। दोस्तों, ये आपका सिलेबस है BBA के फोर्थ सेमेस्टर का। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है दोस्तों, और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको इसका एग्जाम देना है। जैसा कि आप फर्स्ट यूनिट में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर के, उसके डेफिनेशंस, इमर्जेंस, स्कोप, नीड, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, उनकी अपॉर्चुनिटीज, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट एंड राइजिंग ऑफ फंड्स, वेंचर कैपिटल सोर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, ये सारी चीज़ें जाननी है। थर्ड यूनिट में दोस्तों एंटरप्रेन्योर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानना है। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हो दोस्तों एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP जिसे बोला जाता है दोस्तों। और फिफ्थ यूनिट में रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना है, एंटरप्रेन्योर का बिजनेस में रोल कैसा होना चाहिए। ये आपका पहला सब्जेक्ट था, ये डिटेल्ड सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका कंपलसरी है, आपको इसका एग्जाम देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, स्कोप कैसा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको जानना है। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके लिमिटेशंस, कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। थर्ड यूनिट में बजट एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में जानना है दोस्तों। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियस एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। और फिफ्थ यूनिट में मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग के बारे में जानना है दोस्तों। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अगला चेक कर लेते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, ये भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के। कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको इसका एग्जाम देना है। आप फर्स्ट यूनिट में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, स्कोप, नीड्स। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं रिसर्च इन मैनेजमेंट डिसीजन के इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। फोर्थ यूनिट में आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। और फिफ्थ यूनिट में रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है रिसर्च मेथडोलॉजी का। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा बैंकिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का, ये भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, इजी है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, RBI का रोल, फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जाननी है। सेकेंड यूनिट में ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपॉजिट्स, EMI, प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज, बिल डिस्काउंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और फिफ्थ यूनिट में एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड बाय कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, मोड ऑफ क्रिएटिंग चेंज, बैंक गारंटीज, एसेट्स, लाइबिलिटी मैनेजमेंट इन कॉमर्शियल बैंक, बेसल नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दोस्तों।
ये आपका डिटेल सिलेबस है बैंकिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट का। अगला चेक कर लेते हैं, अगला है हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का, ये भी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, इसका एग्जाम आपको देना है। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट जानना है, इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, पर्सन, SSS, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट, टैक्स लाइबिलिटी, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं हेड ऑफ इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल इनकम, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड यूनिट में आप देख सकते हैं हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। फोर्थ यूनिट में आप देख सकते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारी चीज़ें जाननी है। और फिफ्थ यूनिट में टैक्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका डिटेल सिलेबस था इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंट्स का। तो दोस्तों अगर आपको BBA के 4 सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे कॉलेज नेशन के यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, कंप्लीट नोट PDF और प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल के मिल जाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे दोस्तों, MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपके एग्जाम में MCQs पूछे जाते हैं तो हम आपको MCQs की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। आंसर राइटिंग के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आंसर राइटिंग कैसे करना है ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकें। डाउट सेशंस के लिए दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे ज्वाइन करेंगे, जहां पर 24/7 आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों BBA के 4 सेमेस्टर का ये कोर्स मात्र 499 का हमारे ऐप पर है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। जिन दोस्तों को ऑफलाइन क्लास करती नहीं है दोस्तों, उन दोस्तों के लिए बनारस में करौली में हमारा कॉमर्स नेशन का सेंटर है, जहां पे BBA के 4 सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लासेस चलती है मात्र 3,500 रुपये में, जहां पर दोस्तों आपको ऑनलाइन की ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के BBA के 4 सेमेस्टर में हैं या जाने वाले हैं, ताकि उनके BBA के 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम अच्छे से जाएँ। थैंक यू।